हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। जहाँ भी रहिए मस्त स्वस्थ रहिए दोस्तों। और देख सकते हो मेरे वीडियो में दोस्तों, मैं सुबह का आज दिनचर्या डाल रही हूँ। आज है सोमवार मंडे और तारीख है 23 तारीख। तो दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, ना दिनचर्या का वीडियो डाल पाई, ना शॉर्ट वीडियो डाल पाई, ब्लॉगिंग मतलब वीडियो, ब्लॉगिंग वीडियो बहुत कम डाली थी कल दोस्तों। कल का काम बहुत ज़्यादा था दोस्तों, और क्योंकि वैष्णो देवी जा रही हूँ तो उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ दोस्तों। ढेर सारा कपड़ा खींची थी, स्वेटर, शॉल, चादर, जैकेट, और तो इस वजह से हम कल वीडियो बना नहीं पाए थे दोस्तों। मैं सोची कि ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊँ, जैसे कि मैं तैयारी कर रही हूँ उसका मतलब बनाने की, तो नहीं कर पाई दोस्तों, नहीं बना पाई वीडियो दोस्तों। बहुत ज़्यादा काम था दोस्तों, तो उसी वजह से वीडियो नहीं बना पाई ब्लॉगिंग। और नहीं शॉर्ट, शाम को सोची शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, तो शाम को किसी का कॉल आ गया तो उसकी वजह से नहीं कर पाई शॉर्ट वीडियो भी, नहीं ना ब्लॉगिंग वीडियो। तो क्या करें दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ ब्लॉगिंग वीडियो। और देख सकते हैं दोस्तों, आज भी बहुत मतलब घर का काम तो जानते हैं दोस्तों, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मैं ये बना रही हूँ इसलिए वीडियो दोस्तों, क्योंकि कल नहीं बना पाई थी इसलिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह वीडियो बने रहिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या मैं बोलूँ दोस्तों, बोला ही नहीं जा रहा है तो क्या बोलूँ, क्या सोचूँ, क्या बोलूँ। तो इस तरह वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं मेरे वीडियो में दोस्तों, इतना सारा कपड़ा, वैष्णो देवी जाने की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। ये सब कपड़ा है क्योंकि वहाँ ठंडी लगेगी, तो जैकेट और स्वेटर, शॉल, चादर, और क्या बताऊँ दोस्तों, शर्ट, पैंट, जीन्स, क्या क्या होता है कपड़े में, तो देख ही सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो ये सब हम ले जा रहे हैं, तो ये सब हम खींचे हैं अभी, वो कपड़ा खींचे हैं अभी, ये कपड़ा अभी तक तो मैं रखी नहीं हूँ दोस्तों सरिया कर, क्योंकि ये कपड़ा मतलब घर का यूज का है, तो इसको भी सरियाना है दोस्तों। और ये सब तो बैग में डालना है दोस्तों, सूटकेस में डालना है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ा है दोस्तों, इतना सारा कपड़ा है, क्या बताऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा है दोस्तों कि मैं क्या क्या करूँ इतना सारा। अभी ये सब कपड़ा प्रेस करना है दोस्तों, ये सब जो है कपड़ा ना, ये सब कपड़ा प्रेस करना है, ये सब ये प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है। और ये सब हमको सरिया कर बक्से में डालना है, मैं डाल नहीं पा रही हूँ दोस्तों क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। अब आज फिर घर की तरह देखिए दोस्तों, अभी इतना कपड़ा खींचने के लिए पड़ा हुआ है। ड्रेस, बच्चे का ड्रेस है, बच्चे का ड्रेस है, इतना कपड़ा ये हो गया, इतना कपड़ा भी खींच के रखा हुआ है दोस्तों। अभी ये कपड़ा हमको ड्रेस अभी खींचना है, इस देख सकते हैं दोस्तों कि मैं कितना काम किचन का काम, अभी किचन का काम भी अभी नहीं हुआ है दोस्तों। और मैं जा रही हूँ अभी सब काम, अभी सफाई करना है अभी दोस्तों, क्योंकि जाऊँगी तो आऊँगी 6-7 को लौटूँगी। ये रहा पूजा रूम, पूजा रूम का सफाई तो है, बस खिड़की झाड़ करके, बस पेपर हटा करके, बस मतलब हटा करके बिछा देना है, बिछा करके फिर उसी तरह का डब्बा डुब्बी सब पोंछ करके रख देना है। तो ये रहा हमारा बेडरूम, बेडरूम भी देखिए दोस्तों, हम लोग कंबल रजाई सब धुल दिए हैं, बस 2-3 कंबल और है, ये तीनों कंबल आज धुलेंगे, ये सब धुल करके सुखा लेंगे, उसके बाद ये सबको सरियाना है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों। झाड़ू अभी नहीं लगाए हैं दोस्तों, अभी झाड़ू लगाना है, बाकी ये है। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।